नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। छोटे भाई ने छोटे भाई को संपत्ति के लिए उतारा मौत के घाट। आपको बता दें, बिजनौर के थाना शिवाला कला क्षेत्र के ग्राम मुराहट में एक भाई ने दूसरे भाई को संपत्ति के लिए मौत के घाट उतार दिया है। जी हां, दरअसल आपको बताते चलें, गुरुवार शुक्रवार की देर रात्रि पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम मुराहट में एक व्यक्ति की हत्या कर उसका देह संस्कार कर दिया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने गाँव में जाकर बारीकी से पूछताछ की तो पता चला मृतक नरेश की बीमारी से मौत होने पर उसका देह संस्कार कर दिया है। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू की तो सामने कुछ और ही मामला निकल के आया। दरअसल आपको बताते चलें, मामला सामने आया कि दो भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद था, जिसके चलते बड़े भाई सुरेश ने अपने छोटे भाई नरेश की तबल से हत्या कर घटना को छिपाने के लिए पुलिस ने बिना बताए शव का देह संस्कार कर दिया। वहीं मृतक की बहन मुनेश ने अपने बड़े भाई सुरेश के द्वारा छोटे भाई नरेश की हत्या करने की पुष्टि करते थाना शिवाला कला पर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी सुरेश को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही घटना में इस्तेमाल करी गई तबल को भी बरामद कराते हुए आरोपी को जेल भेज दिया। दिनांक 1/6/2024 को थाना शिवाला कला पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम मुराहट में एक व्यक्ति नरेश की हत्या कर उसके शव का दाह संस्कार कर दिया गया। इस सूचना पर तत्काल पुलिस गांव में पहुंची, उसके द्वारा छानबीन की गई। प्रारंभिक पूछताछ में लोगों ने बीमारी के कारण मृत्यु बताया, लेकिन पुलिस द्वारा जब गहराई से छानबीन की गई तो पता चला कि मृतक नरेश की उसके छोटे भाई सुरेश द्वारा संपत्ति के विवाद में धारदार हथियार से हत्या की गई और उस साक्ष को नष्ट करने के लिए शव का दाह संस्कार कर दिया गया। इसमें मृतक की बहन की तहरीर पर थाना शिवाला कला पर हत्या एवं साक्ष नष्ट करने के संबंध में अभियुक्त पंजीकृत कर उसकी विवेचना प्रारंभ की गई। वांछित अभियुक्त सुरेश को गिरफ्तार किया गया। सुरेश द्वारा जुर्म को इकबाल करते हुए संपत्ति के विवाद में धारदार हथियार से हत्या किए जाने की बात बताया। उसकी निशानदेही पर प्रयुक्त आला कतल को बरामद किया गया। इस घटना के खुलासा में एक जिम्मेदार नागरिक द्वारा जो पुलिस अधीक्षक महोदय के सीयूजी नंबर पर एक फोटोग्राफ भेजा गया था और उसी फोटोग्राफ के आधार पर यह घटना का खुलासा हुआ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।